करण पटेल के फैंस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। करण की वापसी पर बड़ी अपडेट जो सामने आई है। जी हाँ, लंबा वक्त हो चला है टीवी के इस शाहरुख को किसी शो में देखे हुए। जी हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं कि करण को उनके फैंस टीवी का शाहरुख ही बुलाते हैं, लेकिन इस बार टीवी का ये शाहरुख कोई टीवी शो नहीं करने जा रहा, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने आ रहा है। जी हाँ, देखा जाए तो इन दिनों तमाम टीवी स्टार्स टीवी के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म का रुख कर चुके हैं। ऐसे में अब करण ने भी ओटीटी का रुख कर लिया है। जी हाँ, खबरों की माने तो करण रक्तांचल 2 में मेन लीड में नजर आने वाले हैं, जो कि MX प्लेयर पर देखने को मिलेगी। बॉलीवुड लाइफ को सोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक करण ने कुछ वक्त पहले मेकर से मुलाकात भी की थी और वो जल्द ही अपने इस नए प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ करण पटेल जिम में खूब पसीना भी बहा रहे हैं और खुद को फिट बनाने में जुटे हैं, ताकि वो इस प्रोजेक्ट में खुद के रोल को जस्टिफाई कर सके। इसके अलावा हाल ही में करण शूट शुरू करने से पहले अपने फैमिली के साथ मालदीव्स में टाइम स्पेंड करके भी हैं, ताकि वो बिल्कुल फ्रेश और नई एनर्जी के साथ इस एक्शन पैक्ड शो का हिस्सा बन सके। आपको बता दें कि करण इस शो में बेहद ही अलग अवतार में नजर आएंगे और ये शो फुल एक्शन से भरा होगा। करण पहली बार हैरान कर देने वाले एक्शन सीन्स करते नजर आएंगे, जो पहले उनके फैंस ने कभी नहीं देखे थे। आपको बता दें कि रक्तांचल के पहले सीजन में पूर्वांचल के 1980 के दशक की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें मेन लीड में निकेतन धीर नजर आए थे। पहले सीजन में गवर्नमेंट टेंडर्स को हासिल करने के लिए दो क्रिमिनल्स ग्रुप के बीच हिंसक झड़प दिखाई गई थी। लोगों ने शो के मजबूत कंटेंट और ड्रामे को खूब पसंद भी किया था। और अब जल्द इस हिट प्रोजेक्ट का दूसरा सीजन आ रहा है, जिसमें करण नजर आएंगे। वैसे करण का एक्शन पैक अवतार ऑडियंस रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में देख ही चुकी है। इस शो में उन्होंने जिस तरह से खतरनाक स्टंट किए थे, उससे लोग काफी इम्प्रेस हुए थे। यही वजह थी कि करण शो में आखिर तक बने रहे थे। वेल, टीवी में तो करण ने खूब धमाल मचाया है, लेकिन अब देखना तो ये है कि करण अपने इस डिजिटल डेब्यू से अपने फैंस के दिलों पर छा पाने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। आप करण के इस प्रोजेक्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? शेयर कीजिए अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।